हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउसकीपिंग गुरु 34। मैं हूँ राकेश नाग आपके साथ। आज फिर से आपके सामने एक नया ट्रेनिंग टॉपिक लेके, आज का ट्रेनिंग टॉपिक है इमरजेंसी सिचुएशन। हाउसकीपिंग में एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है कभी कभार, जब होटल ऑक्यूपेंसी फुल होता है, बैक टू बैक होता है, तभी ये इमरजेंसी सिचुएशन फेस होता है। तो मेरे एक चैनल के जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक चीज मैसेज में या कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया था, जे सर एक इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसा मान लीजिए बैक टू बैक कॉल आ गया, मतलब एक ही टाइम में 10 से 12 रिक्वेस्ट आया हुआ है हाउसकीपिंग में, 10 से 12 रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो आप उसको सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, तो वो मुझे एक ट्रेनिंग वीडियो बता के बताया। तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, ज्ञान भद्रज बोल के एक मेरा चैनल का व्यूअर्स है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था जी ये ट्रेनिंग टॉपिक आपको एक बताइए। तो आज वो ट्रेनिंग टॉपिक लेके मेरा ये वीडियो है जो आज सीखते हैं, जो उस टाइम में हम लोगों को क्या एक्शन लेना है और कैसे उस टाइम को हम लोगों को हैंडल करना है, ठीक है, तो वो लेके आज का वीडियो है ट्रेनिंग टॉपिक। आज का ट्रेनिंग टॉपिक क्या है, हाउसकीपिंग इमरजेंसी सिचुएशन में उसको कैसे हैंडल करें। तो एक कैन एनीबॉडी कोई पॉइंट बताए, जैसे मान लो कभी कभी सिचुएशन क्या आता है बैक टू बैक में, एक साथ 10 से 12 कॉल आ गया आपके पास, तो आपको कौन सी छोड़ के कौन सी पहले देना, ये आपको तब माइंड में आते हैं ना। स्पेशली जो डेस्क अटेंडेंट होता है, डेस्क में होता है, उनको माइंड पे ये चीज आता है जे मैं किसको खबर पहले दूं या कौन सी मैसेज पहले पास करूं, ठीक है। और वो सुपरवाइजर भी एक होता है, जो सुपरवाइजर अगर कोई आजू बाजू में है, मान लो डेस्क अटेंडेंट को दिमाग में आ नहीं रहा या कुछ उनको टेंशन हो रहा है, तो वो डायरेक्ट सुपरवाइजर को कॉल करेगा, तो सुपरवाइजर भी क्या करेगा, अरे यार वो सिचुएशन में क्या करूं, एक साथ 12 कॉल, और अभी हम लोगों का होटल का रूल्स क्या है जी, आपको इतना सेकंड के अंदर आपको या इतना मिनट के अंदर आपको वो कॉल अटेंड करना है, गेस्ट को 3 से 5 मिनट के अंदर आपको गेस्ट को कॉल अटेंड करना है, ये मतलब गेस्ट को अटेंड करके डिलीवरी करना है सामान। तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले दोस्तों, उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको माइंड गेम खेलना है। माइंड गेम कैसा है, आपको अपने अंदर को जो फ्रस्ट्रेशन है, जो मैं क्या करूं उसको कंट्रोल करना है, सबसे पहले ये आपको कंट्रोल करना है आपके अंदर। तब बाद में सोचना है जो आपके पास, मतलब उसी टाइम में आपको क्या सोचना है, आपके पास मैन पावर कितना है, कौन कौन कहाँ पे है या क्या है, ठीक है। कोई कोई होटल में ग्रुप्स बना के रखा है, अभी नया टेक्नोलॉजी आ गया व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में ग्रुप्स होता है, एक तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का भी फायदा ले सकते हो, और दूसरा क्या है, माइंड गेम खेलना है। कैसे माइंड गेम खेलना है, जैसे आप एक एक फ्लोर पे, हर फ्लोर पे आपके दो बंदे होते ही होते, हर फ्लोर पे दो बंदे होते ही होते होते, तो मतलब अगर आपके फ्लोर पे जो होता 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर में 2 फ्लोर से कॉल आ रहा है, 2 फ्लोर के 10 रूम से कॉल आ रहा है, और आपके फ्लोर पे हर फ्लोर पे बंदे कितना, 2 बंदे, तो फिर टोटल बंदे कितने हो गए, 6 बंदे हो गया, लेकिन आपके कॉल में क्या है, 10 है, फिर भी आपके पास 4 बंदे कम पड़ रहे हैं 4 कॉल को अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ऐसा माइंड गेम खेलना है जे आप जो छोटा रिक्वेस्ट है, मान लीजिए किसी ने टॉवल मांगा है, 2 टॉवल मांगा है किसी ने, और किसी ने 1 टॉवल मांगा है, तो 2 रूम का, तब आपको क्या करना है, जो 2 रूम का टॉवल्स का जो 2 रूम का है वो आपको 1 बंदे को देना है, तब आपको 1 बंदे को कॉल करना है और उनको एक चीज इन्फॉर्म करना है कि इस रूम में और इस रूम में आपको 102 में आपको 2 टॉवल देना है और 201 में आपको 1 टॉवल देना है। 1 बंदे को टॉवल के लिए भेजो, 1 बंदे को 2 चीज के लिए मत भेजो। फिर एम्यूनिटीज, सेम सप्लाईज या एम्यूनिटीज कोई मांग रहा है तो तब आपको क्या करना है, और 1 बंदे को वो चीज ऑप्शन देना है आपको। मान लो एक ही फ्लोर पे 3 सप्लाई का कॉल आया हुआ, आप हाथ में तो लेके जाते नहीं हो सप्लाईज, आपको एक ट्रे दिया जाता है जिसमें आप सप्लाई डाल के लेके गेस्ट को देते हो, ठीक है। तो उस बंदे को आप उस फ्लोर के 3 कॉल दे दो, क्लियर, उस बंदे को उस फ्लोर का 3 कॉल दे दो, और बाकी जो 4 बंदे उसको दूसरे कॉल्स में भेजो। और कभी कभार अगर उसमें भी आपको फेस में प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें आपको सबसे मेन चीज है, आपके बंदे को तो काम में डिवाइड कर दिया, अगर कोई गेस्ट कॉल रह गए तो आप खुद जाओ एज ए सुपरवाइजर, आप गो, यू गो ऑन दैट टाइम, क्लियर। क्यों आपको जाना ही है, क्योंकि आपको आपका गेस्ट का कॉल अटेंड करना,
विदाउट एनी फेल आपको आपका गेस्ट का कॉल अटेंड करना है, क्योंकि अगर आपको बेस्ट रिव्यू चाहिए, बेस्ट सेटिस्फेक्शन सर्विस चाहिए गेस्ट के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा कभी कभार। क्यों? ऐसा तो नहीं है जी मैं सुपरवाइजर हूं या मैं मैनेजर हूं मैं नहीं जा पाऊंगा। आप जा सकते हो, गेस्ट कॉल अटेंड कर सकते हो, हाँ आप सुपरवाइजर हो जा सकते हो, बट उस टाइम में इमरजेंसी सिचुएशन में आपको जाना है तब, और उस टाइम आप जाओ, जाके कॉल को अटेंड करो, बट गेस्ट कंप्लेंट्स नहीं आना चाहिए। सबसे मेन मोटो क्या होता है हमारे डिपार्टमेंट में या हमारे होटल लाइन में? कंप्लेंट्स, जो गेस्ट कंप्लेंट ना आए हमारे पास, आपको गेस्ट कॉल अटेंड करना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं वो सब जो सिचुएशन आएगा ना, उस सिचुएशन में सबसे पहले ठंडा दिमाग से सोचो मुझे क्या करना है। क्लियर? जो एज ए डेस्क अटेंडेंट आपको ये चीज माइंड गेम हमेशा खेलना है। एक फ्लोर पे से तीन कॉल आए तो एक फ्लोर वाले बंदे को भेजो या उसी के साथ आप अटैच करो, फिर आप रजिस्टर में लिखो जो कौन सा कॉल के लिए आपने भेज दिया, बट गेस्ट कॉल अटेंड होना चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है? तो उसमें आपको क्या होगा ना, कोई गेस्ट कंप्लेंट्स आएगा नहीं, और आपको सेम सिचुएशन में सेम बिजी टाइम में आप आपका कॉल भी अटेंड कर पाओगे और कोई कंप्लेन भी नहीं आएगा। तो इस जो सर्कल हो गया ना, ये सर्कल आपको कैसे भेजना है, किसके मार्फत भेजना है, किसको कौन सा काम देना है, ये मार्फत में सबसे मेन पॉइंट क्या आ गया? टीमवर्क। और सबसे मेन पॉइंट जो होता है टीमवर्क। फिर सेकेंड पॉइंट क्या होता है? आपको ठंडे दिमाग, कूल दिमाग, आपको ठंडे दिमाग से सोचना है, आपको गर्म नहीं होना है और उत्तेजित नहीं होना है, मतलब अरे क्या करूं क्या करूं। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप क्या करूं करने के चक्कर में मिस्टेक्स हो जाते, तो वो मिस्टेक्स हमको करना नहीं है। ठीक है? वो मिस्टेक्स हमको करना नहीं है। तो आपको उस टाइम में ठंडे दिमाग से सोचना है और माइंड गेम खेलना है और टीम वर्क का तब सोचना है। तो हमको कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी सिचुएशन में हम लोग प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे कोई भी टाइम। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हुआ जे एक इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कौन सी टाइम में क्या करना चाहिए। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन ही हुआ ना, क्योंकि एक साथ 10-12 कॉल आ गए और हमारे पास बंदे इतने हो, इतने प्रॉब्लम से, तो आपको कैसे हैंडल करना है? तो मालूम पड़ा क्यों मिस सुरेखा, मालूम पड़ा डेस्क अटेंडेंट हो, तो आपको आइडिया आया ना अभी। तो जे एक टाइम में अगर इतना कॉल आया तो अभी नेक्स्ट टाइम से कोई प्रॉब्लम होगा, सिचुएशन हैंडल करना आ जाएगा ना। ओके, सो यही चाहता हूं आप लोग सब एक तीर से ध्यान रखना, जे कभी भी कोई भी कंप्लेंट्स आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, आप उसको ठंडे दिमाग से सोचो, कभी भी गर्म दिमाग या कोई भी जल्दबाजी में मत करो, तो आपको हर काम सही से होगा। ठीक है? सो दोस्तों, जिसने ये रिक्वेस्ट किया था, आपको ये वीडियो आपके लिए स्पेशली है और बाकी सबके लिए भी, जितने भी व्यूअर्स है सबके लिए है, जे आपको ये इमरजेंसी सिचुएशन में जी इमरजेंसी सिचुएशन में ये प्रॉब्लम कैसे फेस करना होता है, ये आपको आइडिया आया, तो इसमें ये वीडियो में आप अच्छे से चेक करना तो आपको आइडिया आएगा। सबसे मेन पॉइंट जो है टीम वर्क, और सबसे मेन चीज क्या है? ठंडा दिमाग, ये आपको सोचना है। इसमें कभी भी आप ये चीज मिस्टेक मत करना। ठीक है? तो इस तरीके से आपको आइडिया आया ना जी इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे क्या फॉलो करना पड़ता है, क्या रूल्स रेगुलेशन है। इस तरीके से आपको और भी कुछ जानना है हाउसकीपिंग रिलेटेड, होटल इंडस्ट्री रिलेटेड, मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ। इसमें अगर आपको कुछ भी लग रहा है जी आपको ये जगह सही करना है, कि आप कमेंट्स में जरूर कमेंट्स कीजिए, सबके कमेंट्स के लिए मेरा वेलकम है। और आपको और भी कुछ सीखना है जानना है, कमेंट्स कीजिए और मुझे मेल जरूर कीजिए, क्यों मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूंगा। ठीक है? और बाकी सबसे मेन चीज है, अगर जॉब रिलेटेड किसी को हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट्स में मत करना, आप मुझे मेल करो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आप सीवी के साथ आपको कौन से डिपार्टमेंट में क्या चाहिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए जरूर कोशिश करूंगा जॉब रिलेटेड। और कमेंट्स में एक इतना कमेंट्स कर देना मुझे इस डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए, और मुझे मेल कर देना आपके सीवी और आपके डिटेल्स के साथ। ठीक है? और बाकी हाउसकीपिंग रिलेटेड किसी को कोई कोर्स करना है तो मेरे चैनल में ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल में ज्वाइन करो और ज्वाइन डिटेल्स आप मुझे मेल करो, और तो मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा आपको बाद में क्या करना है। क्लियर? तो आज के लिए यहाँ तक, आते हैं मिलते हैं नेक्स्ट कोई ट्रेनिंग टॉपिक, नेक्स्ट कोई ट्रेनिंग वीडियो लेके। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउसकीपिंग गुरु 34। जय हिंद, जय भारत।